हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोग स्टॉक मार्केट एनालिसिस करेंगे। आज का दिन में निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,348, एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। जैसे कि हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, एक 18,450 कब तक क्रॉस नहीं करेगा, एक रेसिस्टेंस का जैसा एक एक्ट करता है। तो वो रेंज बाउंड ही मार्केट था निफ्टी की, और रिलायंस हो गया, मेजर आईटी सेक्टर हो गया, साथ नहीं दे रहे हैं। तो ज़्यादातर इवन बैंक निफ्टी भी ऐसे ही है। बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेवल पे ही है 43,950, और ये भी कल का जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, जब तक 44,190 क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा, इधर का इधर ही रहेगा, नहीं तो एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा कल का सेशन में, शायद हो सकता है, और देखते हैं क्या होता है करके। और कल हम लोग दो स्टॉक दिए थे, डिस्कस किए थे ट्रेड करने के लिए। उसमें देखिए, एक तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिए थे हम लोग, आज का दिन में एक 5% का एक रिटर्न दिया, और एक इसमें और अपसाइड मूवमेंट इंटैक्ट है, और पोजिशनल प्लेयर इसमें बने रह सकते हैं, और जो ऑप्शन प्लेयर हैं वो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट मतलब जून मंथ का ऑप्शन हेजिंग के साथ ऐड कर सकते हो। और इसमें हमारा टारगेट रहेगा 2480 के आसपास, एक रेसिस्टेंस है, लगभग उधर पहुंचने वाला है, देखते हैं उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक था मुथूट फाइनेंस, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला, फिर भी ठीक है, 0.3% का एक अच्छा ठीक है मूवमेंट मिला, और इसमें भी बने रह सकते हैं जो पोजिशनल प्लेयर और जो इंट्राडे प्लेयर जो बुक किए होंगे। और आज हम लोग दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है एक डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि लगातार बइंग हो रही है दो दिन से वॉल्यूम के साथ, ये डेली चार्ट है, लगातार बइंग हो रही है वॉल्यूम देखिए, लगातार बइंग हो रही है, एक कंसोलिडेट हुआ, काफ़ी देर से एकुमुलेशन हुआ ये, और ये गैप फिल ऑलमोस्ट कर लिया है, एक इधर एक गैप दिख रहा है ना आप लोग को, ये गैप फिल कर लिया, और इसमें एक काइंड ऑफ एक बुलिश हैमर बना हुआ है, तो एक बुलिश साइन होता है, तो उसमें अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। इसमें भी जो FNOs ट्रेडर है जो नेक्स्ट मंथ सीरीज़ का इसमें पोजीशन बना सकते हैं जिनके साथ, और जो कैश सेगमेंट वाले तो इसमें होल्ड कर सकते हो, जो इंट्राडे प्लेयर है जो कल उसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसा प्राइस एक्शन बनता है उसमें उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। और दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा तो डीवी स्लैब, हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा डीवी स्लैब में भी सिमिलर क्या एक बाइंग देखने को मिल रहा है, और रेटिंग एजेंसी ने भी अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, स्टेक इन द सेंस टारगेट बढ़ा के दिया है, तो इसका एक चलते एक पॉजिटिव मूवमेंट भी है, दो दिन से लगातार ये बइंग दिखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस जोन में क्रॉस करेगा तो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। इसमें भी FNO ट्रेडर पोजीशन बना सकते हो जैसे आप हेजिंग के साथ, और जो कैश सेगमेंट वाले वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के बाद आज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आज का लो स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अदानी का बारे में बात करेंगे तो अदानी में भी एक न्यूज़ है, आज अनाउंसमेंट है, GQG एक US बेस्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसने अदानी ग्रुप में अपना स्टेक बढ़ाया 10%, एक ब्लूमबर्ग का न्यूज़ है, तो उसी के चलते अदानी में आज भी एक रैली देखने को मिली, इवन इनफैक्ट सारा अदानी ग्रुप अपर सर्किट में था एक्सेप्ट अदानी पोर्ट भी ठीक ठाक चला है 0.6%, वो इतना दिन रैली होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनता है, ठीक है, अभी कोई फ्रेश एंट्री का कोई ये नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो ऑल टाइम हाई के आसपास अदानी एंटरप्राइज जा सकता है। तो यही दो स्टॉक है हमारा कल के लिए, डीवी स्लैब और एक ये डिक्सन टेक्नोलॉजी, और हमारा कल का टारगेट बेची हुआ है, और एक हम लोग शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो कोकियो कैमलिन के बारे में, कोकियो कैमलिन भी ठीक है, अभी उसमें भी बने रह सकते हैं आप, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है, देखते रहे मोमेंटम मिल सकता है उसमें आगे में, और देखते रहिए, ऐसे ही कॉल मिलते रहेगा आप लोग को,
और एनालिसिस करते रहेंगे हम लोग अच्छा स्टॉक के बारे में, और शॉर्ट्स भी देखते रहिए। थैंक यू।